खबर पौड़ी से। पौड़ी में पहली बार निर्वाचन ड्यूटी कर रही महिलाओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। महिलाओं का कहना है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी देकर वे काफी खुश हैं। इस दौरान उन्होंने पहली बार वोटिंग दे रहे युवाओं को भी बढ़ चढ़कर वोट देने का अपील किया है। वहीं पौड़ी SSP लोकेश्वर सिंह ने मतदान केंद्रों की सुरक्षा को लेकर बताया कि सुरक्षा के सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। पौड़ी से मुकेश बछैती की रिपोर्ट। सर ये काफी अच्छा भी है क्योंकि इसमें सीखने के लिए काफी चीजें हैं। हमने EVM का प्रशिक्षण लिया है और सामान्य प्रशिक्षण भी लिया है जिसमें बहुत सारी बातें बताई गई कि निर्वाचन किस हिसाब से होता है, उसकी प्रक्रिया क्या क्या होती है, तो सारी चीजें हमने इसमें सीखी हैं। तो सीखने के लिए ये बहुत अच्छा रहा अनुभव। उनको मैं कहना चाहूंगी कि वोट जो आप दें उसको सोच समझ के दें क्योंकि क्या होता है कि आपकी वोटिंग से ही ये फाइनल हो पाएगा कि हमारा जो देश है वो किस डायरेक्शन में जाने वाला है। तो वोटिंग जरूर दें। और सर ये मेरी दूसरी बार ड्यूटी लगी है और मैंने पहली बार भी अपनी ओर से बहुत ट्रेनिंग ली थी और इस बार भी ली और मैं पूरे उत्साह के साथ आई थी कि मैं इलेक्शन में ड्यूटी दूंगी पर मेरी रिजर्व में आई है। मैं अभी भी तैयार हूँ ड्यूटी करने के लिए। लोकसभा में पूरी जनपद में हमारी तीन विधानसभाओं की पार्टियों की रवानगी पौड़ी से हो रही है और अन्य तीन विधानसभाओं की रवानगी जो है कोटद्वार से हो रही है। कल से ही हमारी पार्टियां रवाना होना शुरू हो गई थी जिसमें कुल 181 पार्टियां अभी तक हमारी रवाना हुई थी जो कि अपने गंतव्य स्थलों पर पहुँच भी गई हैं। सुरक्षा के मद्देनज़र हमारे सभी पोलिंग बूथ में मिनिमम 2 सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉय किए गए हैं। जितने हमारे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पे हमारे हाफ सेक्शन CAP डिप्लॉयड हैं और इसी के साथ साथ हमारे सेक्टर्स और जोनल पुलिस ऑफिसर्स भी डिप्लॉयड हैं और 2 हम लोगों ने सुपर जोन बनाए हैं जिसमें 2 हमारे एडिशनल SP रैंक ऑफिसर जो हैं दोनों सुपर जोन सुपरवाइज कर रहे हैं।